मोहतरम अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक अलवी और आप इस वक्त देख रहे हैं मॉर्निंग स्पोकन सेंटेंसेस। इसमें कुछ शक नहीं है कि बच्चों की अच्छी तरबियत में वालदैन का बहुत ही बड़ा किरदार होता है। मॉर्निंग स्पोकन सेंटेंसेस में पेरेंट्स रोल है, उसके बाद वार्निंग एंड एडवाइसिस है वालदैन की तरफ से बच्चों को, और एंड पे है चिल्ड्रन रोल, बच्चों का किरदार। यहाँ इंग्लिश फ़िक्रात के ज़रिए ना सिर्फ इंग्लिश स्पोकन बल्कि बच्चों के लिए फ़रोग़ अखलाकियात। वालदैन बच्चों के साथ सुबह मॉर्निंग स्पोकन सेंटेंसेस ज़रूर बोलें और इनको इनका तर्जमा भी बताएं, और अगर यहाँ से सीखकर ये फ़िक्रात बच्चे खुद बोलें तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए, इसको मियूब ना समझिए। तो हमारा पहला फ़िक्रा है गेट अप एंड ऑफर प्रेयर, उठो और नमाज़ पढ़ो। वालदैन सुबह ये फ़िक्रा लाजमी बच्चों को कहें, या जिसकी पहले आँख खुले वो ये फ़िक्रा लाजमी बोले ताकि हमारे घरों में नमाज का अहतमाम हो। नंबर टू है टेक अब्लूशन, वुज़ू करो। नंबर थ्री रिसाइट द होली कुरान, कुरान करीम की तलावत करो। नंबर फोर रिसाइट बिस्मिल्लाह बिफोर ईटिंग, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। नंबर फाइव वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोएं। नंबर सिक्स प्लीज़ हरी अप, जल्दी कीजिए। सुबह चूँकि कामकाज की तकमील के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, इसलिए ये फ़िक्रा बोलिए। नंबर सेवन है प्रिपेयर फॉर स्कूल, स्कूल जाने की तैयारी करो। नंबर एट है अरेंज योर बैग, अपने बैग तैयार करो। नंबर नाइन है प्रेस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इस्त्री करो। नंबर टेन है पुट ऑन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनो। नंबर इलेवन है पॉलिश द शूज़, जूते पॉलिश करो। नंबर ट्वेल्व पुट ऑन शूज़, जूते पहनो। ये फ़िक्रात आप हसबे ज़रूरत बोल सकते हैं ताकि बच्चों में इंग्लिश स्पोकन का रुझान पैदा हो। लेकिन अगर आपने इससे पहले कर्सी स्पोकन सेंटेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास इन फ़िक्रात से भी बेहतर फ़िक्रात वाली वीडियो पहुंच सके। अब बच्चों की बारी है, तो पहला फ़िक्रा है आई वांट टू टेक बाथ, मैं नहाना चाहता हूं। नंबर टू है प्लीज़ प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार कर दें। नंबर थ्री है प्लीज़ हरी अप, माई रक्षा इज़ अबाउट टू कम, या माई वैन या बस, जो भी बच्चे की कन्वेंस है उसका नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर फोर के लिए गिम्मी का इस्तेमाल कीजिए, मुझे दो, आगे कोई भी मुतलका चीज़ लगाएं, गिम्मी ब्रेकफास्ट, गिम्मी टी, मुझे चाय दो, गिम्मी योगर्ट, मुझे दही दो, गिम्मी एग, मुझे अंडा दो, गिम्मी पिकल, मुझे अचार दो, गिम्मी काफ़ी, मुझे काफ़ी दो, गिम्मी ब्रेड वगैरह, जो भी मुतलका चीज़ है गिम्मी के आगे लगा के बोलिए। नंबर फाइव पे है वेयर इज़ का इस्तेमाल, वेयर इज़ माई, आगे मुतलका चीज़ लगाएं, वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, वेयर इज़ माई यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म तलाश करनी है तो वेयर इज़ माई यूनिफॉर्म, वेयर इज़ माई हैट, मेरा हैट कहाँ है, वेयर आर माई शूज़, वेयर इज़ माई टाई, तो इसके जवाब में कहा जा सकता है हेयर इट इज़, ये रही, टेक इट, ले लें। नंबर सिक्स है अगर बच्चे ने कोई चीज़ लेनी है तो वो कह सकता है बाय मी, मुझे ले दो, बाय मी का इस्तेमाल करें, बाय मी पेन, मुझे पेन ले दो, बाय मी कॉपी, मुझे कॉपी ले दो, बाय मी बुक, मुझे बुक ले दो, बाय मी पेन, पेन मुझे ले दो, बाय मी पेंसिल, मुझे पेंसिल ले दो, बाय मी शूज़ वगैरह। अब है पेरेंट्स की बारी, उसमें वार्निंग एंड एडवाइस है। बच्चों की अच्छी तरबियत और फ़रोग़ अखलाकियात के लिए ऐसा ज़रूर कीजिए ताकि बच्चों में अखलाकियात का बहुत ज़्यादा फ़रोग हो। पहला फ़िक्रा है ऑन द वे नेवर टीज अदर, रास्ते में किसी को तंग नहीं करना। नंबर टू है नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना। नंबर थ्री है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है। और नंबर फोर है ओबे योर टीचर, अपने टीचर की अतायत करो। नंबर फाइव है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का अदब करो। नंबर सिक्स है नेवर बैकबाइट, कभी चुगली ना करना। नंबर सेवन है नेवर मिस प्रेयर, कभी नमाज नहीं छोड़नी, कज़ा नहीं करनी। और एंड है रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। अब मॉर्निंग स्पोकन सेंटेंसेस के बाद इवनिंग स्पोकन सेंटेंसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ये मुफीद वीडियो पहुंच जाए। शुक्रिया।